कैंपिंग रहने वाली आपको वीडियो के जरिए पता चल रहा होगा, और आज की कैंपिंग कुछ स्पेशल रहने वाली क्योंकि आज फुल्ली नॉन वेजिटेरियन ये कैंपिंग रहने वाली है। तो आई रानी लुंगदारी नाम लिंगो रानी रख दियो, इतने पढ़ा होते ना आप जैसे लिंगो रानी। अभी आए ये गए, इन्होंने कहा कि यार इतने लोग मेरे साथ हैं, सबको बताना भी है और वीडियो भी बनानी है, और हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना वीडियो बनानी, हमें तो जाना है, कैसे घटाई तो हमें भी पता, हम भी घटाते हैं, हम भी फिर तुम्हारे स्कूल में ही आएंगे। पेन मार्कर से 90 को 80 कर दूं? हां या 2000 ऐसे ही किया था क्या? शायद आज की कैंपिंग और भी शानदार और कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ नया नया इक्विपमेंट भी है, बारबेक्यू ग्रिल हमारे पास है, और हम उसे चिकन तंदूरी आज कुछ अलग करने वाले। और आधे ऊपर यहाँ रख दो ना, इसको बना के ऊपर वाले में रख दो। हाँ, एक आध ऊपर वाले में रख दो ना, दूसरी मंजिल में भी रखूं। तेरी मेरी माया माया मा छस छून जरा। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। जी हाँ, आज के एक और अनप्लान ट्रिप में आप सभी का स्वागत है, और आज रहने वाली है जंगल कैंपिंग। यस, जंगल में पहुंच चुका हूँ। तो कहाँ ये कैंपिंग रहने वाली है आपको वीडियो के जरिए पता चल रहा होगा, और आज की कैंपिंग कुछ स्पेशल रहने वाली क्योंकि आज फुल्ली नॉन वेजिटेरियन ये कैंपिंग रहने वाली है। तो आइए ट्रैवलर ट्रैकर के साथ और इन्जॉय कीजिए इस कैंपिंग को, और अगर आपको लगता है आपको भी इसी तरह की कैंपिंग करनी चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक अनप्लान ट्रिप पे हम निकल चुके हैं, और आज जो कैंपिंग आपको देखने को मिलने वाली है बेस्ट कैंपिंग रहने वाली है, पूरा फुल्ली नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो तो खुश होने वाले हैं इस कैंपिंग को देख के। बस अभी हमारे कुछ साथी मार्केट में ही हैं, उन्हें पिक करते हैं, सामान खरीदते हैं, बस निकल पड़ते हैं। थोड़ा बहुत लेट भी हो गए, हमने टाइम लग ही जा रहा है, टाइम लग ही जा रहा है यार, घर से कितना भी जल्दी निकलो तो टाइम लग गया, और काम भी थे थोड़ा निपटाने और काम भी थे। फिर मल्ला पातो, फिर आता था वो हरंग भरंग दार, फिर उसके बाद आता था फिलती गाड़ के बाद आता था हरसलिंग माता मंदिर, उसके बाद आता था कपल दंग के बाद लिंगरानी के बाद फिर आता था ये अपना सपोर्ट डियार के बाद फिर हम राजरंबा रिवर, फिर उसके बाद वो था मुनी का डियार, अभी तो यहाँ नहीं रख जाओ, मुनी का डियार के बाद होगा फिर जीरो का। मैं भी भूल जाता हूँ यार, वो रख ले यार, अभी ना हैबिट है ये बुलाने है, यहाँ रहेंगे ना हैबिट, मैं भी भूल जाता हूँ, हमको पहली जगह की पत्ते, मैं जब तक जाऊंगा ना तब तक यहाँ रहेगा मुझे, मतलब हाँ अगर मेरे को तब रहती है ना चीजें यार, जब मैं खुद उसकी जिम्मेदारी दूँ, लाइक जैसे अभी है ये गए, इन्होंने कहा कि यार इतने लोग मेरे साथ हैं, सबको बताना भी है और वीडियो भी बनानी है, और हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना वीडियो बनानी, हमें तो जाना है एंजॉय करना है। उस समय तो मेरे को याद हुआ जब इनसे मेरा इंट्रो लिया, वहां मैं भूल गया उसको इंट्रो, इतने पड़ाव आते हैं हमको, कितने ट्रैक का पता था सोचो, कम से कम 50 जितने भी ट्रैक के, अभी भी हर कहीं गाँव कौन सा निकलेगा, वो कौन सा है वहाँ पे, धार कौन सा है, जब तक खुद पे लेता हूँ, जीके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों के लिए। बड़ा कौन है तुम में से? वो ये बड़ा है, पर ज्यादा क्लास में मरता हूं, 8th में मरता हूं, ये 7th में, तो ऐसे क्यों है, एज बढ़ा रखी है। अच्छा, एज बढ़ा रखी है, एज कैसे बढ़ाते हैं मुझे भी बताओ, मैं भी बढ़ा देता हूं, ऐसी बढ़ जाती है तो यार इतने बचपन से बढ़ा रही है, तो इसने घटा रखी है, अच्छा घटा सकते बढ़ा नहीं सकते छोटे, मेरी 90 इसने घटा रखी है, ये सही कह रहा है, इसने घटाई होगी, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इधर देख कैसे घटाई तूने, हमें भी पता, हम भी घटाते हैं, मैंने करा नहीं ऐसा कुछ, हम भी फिर तुम्हारे स्कूल में ही आएंगे, पेन मार्कर से 90 को 80 कर दूं, हां या 2000 ऐसे ही किया था क्या। दोस्तों, आज के ट्रिप में सबसे पहले हम पहुंच गए यहाँ पे मचखाली टाउन। तो ये एक ऐसा हिल टाउन है जहाँ से नज़ारे होते हैं कुछ बहुत ही शानदार, सामने पूरा हिमालय,
क्या बात है, एक बार फिर से मेरे हिमालयन पीक्स। और ये जो ब्राउन पीक्स यहाँ पर दिख रही हैं, ये हैं द्वाराट ब्लॉक की। तो ये है दुनागिरी, यहाँ पर इसके बाद आता है पांडव खोली। तो पांडवों के बारे में तो आपने सुना ही है, पांडव हर जगह गए थे उत्तराखंड में। तो ये है पांडव खोली। इसके बाद जो ये ऊंची पहाड़ी दिख रही है, ये है भट्टकोट, जो कि अल्मोड़ा की सबसे हाई पीक यहाँ पर है। और ये तीनों अपने आप में एक ट्रैक हैं, जो कि मैं बहुत बार ये कर चुका हूँ। और इसके राइट में हम जाते हैं तो यहाँ पर है हिमालयन पीक्स। तो मचखाली से ऐसे शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो कुमाऊँ के जितने भी हिमालयन पीक्स यहाँ पर हैं, क्लियर व्यू के साथ मचखाली से दिखते हैं। तो यह हिमालय का नज़ारा शानदार वाला मचखाली से। और नीचे देखिए घाटी, क्या बात है। तो कैराड़ो घाटी भी हमें दिख रही है सामने। काफ़ी सारे गांव इस वैली में हमें नज़र आते हैं, क्या बात है। मेरा घर है उधर कहीं, जहाँ पर बहुत सारे खेत दिख रहे हैं। तो ये है आज का हमारा ट्रिप। Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at any. इस बार तो लिस्ट भी नहीं बनाई। लिस्ट नहीं नहीं बनाई है ना लिस्ट। वैसे लिस्ट कागज में नहीं है। अच्छा। नोट्स में बनी है इस बार। थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहे हैं। पेपर वर्क कम कर रहे हैं ट्रैकिंग में। चिकन मसाला, मटन मसाला दे दो। हाँ, दस दस वाले हैं ना। पांच वाले दो दो दे दो। और एक गार्लिक जिंजर। मटन मसाला कम लेते हैं, चिकन मसाला ले लेते हैं। दो गार्लिक दो चिकन मसाला भी हमें मुश्किल के लिए चाहिए, मैरिनेशन के लिए। इनने पता है अपना बचा के रखा पेट में, ताकि पेट अभी ज़्यादा ना बढ़ जाए इसलिए। आरती भानु इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि रात को इनने अपने पेट में बिल्कुल जगह रखी है, क्योंकि दो दो चीज टेस्टी वाली बनने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई। हम तो आज लंच तो किया नहीं आज, यही अरे टेस्ट कर लो भानु। छोले समोसा, ये है आपका लंच। यही अलग आएगा, आपका पेट नहीं भराएगी। मैंने खाया कब था खाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यार। अब सारी बोतल यहीं भर लिए जाएंगे, सर्दी में तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आगे पता नहीं जंगल में पानी तो मिलेगा नहीं कहीं, इसलिए पानी हमारे को चाहिए। बस ये खाली हमारे डिनर जो हमारा तैयार होगा उसके लिए ज़्यादा चाहिए, हल्का फुल्का हमारे पीने के लिए हो जाएगा। तो सुबह नहाओगे नहीं? नहीं नहाओगे नहीं, नहाने के लिए भर रहा हूँ तुम्हारे। हाँ, ये बोतल भर लो बिस्लरी वाला, इसी से हो जाएगा आपका। तो पंची स्नान होगा इससे। पानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कैंपिंग लाइफ का, पता है। पानी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खाने में तो चल जाएगा कुछ भी, बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे, है ना। आज तो जंगल कैंपिंग होने वाली है। पूरी जंगल कैंपिंग होगी। हवा बहुत तेज है तो गाड़ी को इस साइड लगाते हैं, दोनों टेंट इधर लगाते हैं। ठीक, लकड़ियां हैं और कहां लाना ढूंढने पर नहीं नहीं है आगे है ढूंढ ली, लकड़ी भी ढूंढ ली है। तो देखिए यहां पे हम लोगों की तैयारियां चल रही है, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ टेंट सेट कर रहे हैं, कुछ ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। और मेरी तो छुट्टी है, खैर मुझे यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता। शायद आज की कैंपिंग और भी शानदार और कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ नया नया इक्विपमेंट भी है। बारबेक्यू ग्रिल हमारे पास है, और हम उसे चिकन तंदूरी आज कुछ अलग करने वाले हैं उस पर भी। सब लोगों के लिए शायद ये नया नया ही एक्सपीरियंस होगा मे बी।
जितने हम लोग हैं यहाँ पे. In the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. जी हाँ दोस्तों, ये आज की जंगल कैंपिंग की शुरुआत हो चुकी है और हमारे टेंट हो गए सेट. क्या बात है. तो दोनों टेंट हमारे हो गए यहाँ पे सेट और सामान हमारा गाड़ी में रहेगा. जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी से आराम से ले सकते हैं. एक तरह से हमारा किचन स्टोर वो है और कैंप फायर होने वाला यहाँ पे. और दोस्तों आज रहने वाली जंगल कैंपिंग, हर तरफ है पूरा जंगल. क्या बात है. यस, रमेश भाई हमारे हमेशा की तरह लीसा भी ले आए. ये गलत बात है भाई. भानु भाई भी उधर. तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा जंगल है. पूरा जंगल इस तरफ, दूर कहीं कुछ घर दिख रहे हैं, एक गांव है यहाँ पे. पूरा जंगल, ये चारों तरफ जंगल है. बिल्कुल जंगल कैंपिंग है. तो इसी तरह की कैंपिंग हम करते हैं. और दोस्तों अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हैं, डर हमारी तरह, जैसे हमारे डिक्शनरी में डर कोई वर्ड नहीं है, आप भी अपने माइंड में बसा लीजिए और आ जाइए. ये एक रोड, कच्ची रोड जो जा रही है और इसी के बगल में हमारी चल रही कैंपिंग. गाड़ी को हमने टेंट के इधर इसलिए लगाया क्योंकि बहुत तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है. और आज का स्पेशल, यस, कृष्णा भैया को वेरी थैंक्स. आज हम लेके आए हैं बारबेक्यू ग्रिल्स. क्या बात है. तो आज बनेगा स्पेशल कुछ हमारा, ये तंदूर का आइटम. उसकी कील कहाँ है. मेरे वाले टेंट की पता नहीं, मेरे वाले टेंट की मैं लाया नहीं. लाया आपके वाले टेंट की, निकाल लो. दो दो लगानी है बस भाई. हाय, बढ़िया. अरे मौज मौज कत्ते ही मौज चल रही है दोस्तों. इस तरह की कैंपिंग देख के आपका भी मन जरूर कर रहा होगा यहाँ पर आने का, है ना. तो ज्वाइन कीजिए ट्रैवलर एंड ट्रैकर और हमारे मस्त मौला. तो हमारे पुरंदा का चैनल है मस्त मौला और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरे उत्तराखंड को एक्सप्लोर करते हैं. देख लीजिए, चले जाइए इनके चैनल पे और देख लीजिए. बहुत ही पोलाइट बंदे हैं, बहुत ही पोलाइट बंदे. इनके चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए. और हम दोनों तो हमेशा आपको साथ दिखेंगे. पहली बार दो छोटे मोटे यूट्यूबर्स ने किया है कोलैबोरेशन. भाई कम है, लग रही है बहुत कम है अभी इधर पीछे. हाँ यस, कुल्हाड़ी निकालो, उससे कट करते हैं क्योंकि छोटे छोटे पीस बनाने पड़ेंगे ना बारबेक्यू ग्रिल्स में डालने के लिए, है ना. कुल्हाड़ी इसमें निकालना, कुल्हाड़ी उधर है. ये देख, ये दरवाजा खोलना. सो आज हमारे पास जंगल कैंपिंग के इक्विपमेंट तो पूरे हैं. यस, क्या बात है. तो रामू भाई को बहुत ही अच्छी नॉलेज है कैसे लकड़ी फाड़ी जाती है, है ना. दोस्तों सबसे पहले तैयारी करनी है, हमें मैरिनेट करना है यहाँ पे चिकन क्योंकि इसमें लगने वाला टाइम और टाइम हमारे पास है कम. यस रामू भाई बढ़िया से हैं. तो सबसे पहले पड़ रहा है बेसन. बेसन के साथ दही, दही डाल दी. दही तो ये है. यस, अच्छे से मसाले इसमें कुछ डालना मत, बस चिकन के अलावा है. तामझाम फैला दिया और आज तो पानी भरपूर मात्रा में. क्या बात है. मिक्सर भी डाल दो. यस, लाइट मिक्सर. वो पॉलिथीन बांधे हुए लाया था. क्यों दादा, लग रहा है आपको बाघ आएगा ना. हम बाघ इतना डरावना जंगल. सुनो मुझे डर लग रहा है, मैं निकल रहा हूँ गाड़ी लेके. भाई तुझे भी डर लग रहा ना. ये है ये हथियार. कृष्णा दत्ता देखेंगे, बहुत मारेंगे. उससे ज्यादा खतरनाक हथियार तो ये है. बाघ आ भी जाएगा तो उसकी भी पार्टी हो जाएगी. ये है देखो दत्ता, ऑन कैमरा ये बातें नहीं बोली जाती हैं. ये इसको आराम से मारना, ये हाथ भी छिल देता है. ये लकड़ियाँ कम होने वाली हैं. ओहो हो गई तैयारी. हाँ मैं तो यहाँ दिखा रहा था. बहुत मिर्ची.
मिर्ची ना डालना ब्रो, मिर्ची नहीं डालना, सारे मसाले पहले डल जाएंगे इसमें। अरे बाद में भी तो रखे हैं ये बटर, और जितनी ये प्लास्टिक है ना ये सब वापस जाएगी। हाँ यस, ये जलेगी नहीं यहाँ पे पहाड़ पे, हम जलाते नहीं इनको, वापस लेके जाते हैं, जलाने से और ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा ना। ये क्या है? यही तो है सोया सॉस। ये इसको भी क्या चिकन में डालेंगे फिर, इसको पकड़ के बाद दो इसको। अरे क्या यार तुम, अच्छा ऑन पे मैं नहीं बोलूंगा ये बात, मेरे मुंह से निकल गई तेरी जुबान। ये हवा कम हो गई है। हाँ। इधर कम हो रही है, उधर ज्यादा हो रही है हवा। चले वही करें टेंट सेट, उधर भी और पीछे क्या बात है, सनसेट तो हो गया लेकिन लालिमा अभी तक छाई हुई है। चारों तरफ हो गया है घना अंधेरा और हमारी कैंपिंग चल रही है यहाँ पे। तो जैसा हमने पहले भी दिखाया था कि टेंट सेट यहाँ पे हुए हैं, आगे बहुत कुछ तैयारियाँ हो गई है। तो सबसे पहली तैयारी ये देखिए, चिकन हमारा यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है और आज की तैयारी है बारबेक्यू ग्रिल्स पे चिकन तंदूरी बनने की। क्या बात है, अच्छे से किया है ना भाई ये, गुड। और ये राम भाई तो हमेशा काम करते हैं। और ये क्या रोटी खा रहे हैं, मडवे की रोटी, मडवे की रोटी बटर के साथ, वो भी यस घर से आई है और बटर के साथ। और हमली जी के नहीं हुए, चलो कोई नहीं, खाओ खाओ। आग बिल्कुल सेफ्टी के साथ हमने यहाँ पे, ताकि आग फैले ना, चारों तरफ हमने मिट्टी को खोद दिया है, पत्थर नहीं थे, नहीं तो हम चारों तरफ पत्थर लगाते, बट सही चल रहा है ना। दिखाना मडवे की रोटी तो दिखा दो, खिला नहीं रहो। ये मम्मी ने रखी थी सुबह के नाश्ते के लिए, कल के नाश्ते के लिए, तुम अभी खा गए हैं, ठीक है बढ़िया। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू, बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। यस। कोयले हो गए उतने? कोयले ना, धीरे बनते रहेंगे, डालते रहेंगे। होय होय होय, पहले कोयले तो डालो, कोयले डाल रहा हूँ मैडम। कितने कोयले डालने पड़ेंगे इसमें? ये तो कुल्हाड़ी से। सो काफ़ी टाइम से रखा था हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए, और अब हो रहा है प्रोग्राम यहाँ पे तंदूर में जाने का। क्या बात है, कोयले अच्छे हो गए है ना। माचिस कहाँ है? माचिस तो उसी के पास होगी, नहीं है यहाँ पे, आराम से दादा हाथ में देखना चाहिए। तो छोटे छोटे पीस ले, ऊपर के लिए है वो छोटे पीसेज के लिए है। यस, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करना था। हाँ, कम करो, कम करो, निकालना पड़ेगा, स्मोक ज्यादा हो रहा है, कम करो। पक गया चिकन, निकालो, बन गया, एक घाण लग गया। अरे लकड़ी को तो हटा दो जल्दी। हाँ यार, जल्दी लकड़ी हटानी पड़ेगी यार, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। लेग पीस, धुआं नहीं होना, आराम से दादा, हाथ मत फाड़ना। ये तो इसको अकेले डालो, साथ में होंगे इसके सब, आराम से। हाँ, उसमें बहुत तीखा है क्या? हाँ फिर बहुत तीखा है, खुशबू से तो आने लग गई। बन गया, ये हो रहा है। हाँ बढ़िया, प्याज तो बाहर आ गए, प्याज खा लो, ये कोई बात नहीं, हटा दो। ये भी बन गया फिर, और आधे ऊपर यहाँ रख दो ना, इसको बना के पकड़ो ना उसको, ऊपर वाले में रख दो। हाँ एक आध ऊपर वाले में रख दो ना, दूसरी मंजिल में भी रखो, दूसरी मंजिल में रखो, जो आंच लगी ऊपर तक तो आएगी, इसमें वो भी रख। ये क्या बना रहे हैं?
मटन भाई क्या बन रहा? मटन। ये देखो मटन बना, ये स्पेशल मटन किसके लिए बन रहा है? हम लोगों के लिए बन रहा है। हम लोगों के लिए ये खा तो सकते ही हैं। खाते हुए ये कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी है, बहुत मजा है, बहुत मजा। कुछ अलग सा है पता है इसका टेस्ट। इससे पहले कैंपिंग में इस तरह की बारबेक्यू कभी नहीं, फर्स्ट टाइम बारबेक्यू कैंपिंग। ये देखिए सही हो रहा ना भैया? बहुत बहुत घुमाओ इसको। दो मैं कम खाता हूँ। हाँ बारबेक्यू थोड़ा बहुत ले लो जो तंदूरी हुई। हाँ अरे ये वाला लो, ये बहुत, ये लेग पीस। यस लेग पीस, बट मैं इतना खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। बटर के साथ तो और मजा आ रहा है। यस तो ये फर्स्ट टाइम है जब कैंपिंग के दौरान हम आप भी बारबेक्यू। वाह टूट जा भाई, थोड़ा इधर को तो करोगे हम ना? ये यस साहब ये देख रहे हो, इसके लिए खास कर मैंने छुट्टियाँ एक्सटेंड करवाई थी। यस तो इस तरह का हमारा भी चल रहा है कैंपिंग नाइट। हाँ नॉन वेजिटेरियन है जो भी लग रहा है आपका अनुभव? तो मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ये वाला फर्स्ट टाइम है, बाकी तो हम कैंपिंग करते रहते हैं, तो इस तरह का अब आगे होते रहेगा। और मतलब इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कृष्णा भैया को जो उनने हमें ये अरेंजमेंट करके दिए हैं। तो ये होता है अक्सर, आप अगर ट्रैवलर हैं तो आपके साथ दोस्ती यारी इतनी जुड़ती है कि हो ही जाते हैं इस तरह के अरेंजमेंट। फूलों में भरूं मैं होली तेरी मेरी बाता, फूलों में भरूं मैं होली तेरी मेरी बाता, जून तू होली मेरी मैं जून आली राता, जून तू होली मेरी मैं जून आली राता, दगड़ चर म्यार जस दू और बाती सुवा, कभे बुझण नी दूलो सुवा हो, मेरी है प्यारी कभे बुझण नी दूलो सुवा, आंसू त्यारा हो और आँखी मेरी हो, जिंदगी तेरी पर सांस मेरी हो, तेरी मेरी माया माया मा छस छू नजर, मरी मीठी जूलो सुआ हो सुआ मित्यारा ऊपर, अजान ओ खचन पे ना मन की अनमील चौतरफी, चिभे निर्भय परदेश मा तुम हो, चिभे परदेश मा तुम रोना तरा, मैं घर छोड़ा हे जी सारियों फूली के होली।
चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिलोरा बड़ों का झूठा फूल ना तोड़ा मोरू का झूठा फूल न लाया smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade दोस्तों कल एक अच्छी कैंपिंग नाइट के बाद अब हम लोगों की हो गई है तैयारी वापसी की। बहुत ही अच्छा रहा कल का हमारा कैंपिंग का प्रोग्राम और अब चल रही है पैकिंग ये और पूरी सफाई का हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। आग हमने वहाँ पे जलाई थी ढंग से बुझा दी है और यहाँ पे जितना भी हमने तामझाम फैलाया था सब हमने पैक कर दिया है। तो दोस्तों मेरा ये मैसेज उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस तरह की कैंपिंग करते हैं और अगर आप जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं तो प्लीज कूड़ा करकट ना करें, सफाई का विशेष ध्यान दें। कैंपिंग के लिए मनाही नहीं है बट सफाई और आग दोनों का ध्यान दें ताकि पॉल्यूशन ना हो और जंगल में आग ना फैले। तो पैकिंग हो गई है, हमारे दद्दा सब रेडी है घर जाने के लिए। लौट के बुद्धू घर को आए। अरे ये हाँ उसमें ज्यादा हो रहा है ना, बड़ा हो गया। बड़ा क्या हो गया ये बड़ा हो गया यार। अरे आपने तय ऐसे लगाया बड़ा हो गया यार। और धूप भी आ गई है, क्या बात है। कल इस घने जंगल में कैंपिंग की थी हमने। Too long, it hurts too hard.